अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज़ और मैं हूं शहराम खालिक और मैं हूं इरफान समोर। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जद्दा में ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान की रंगारंग तकरीब मुनाकिद की, जिसकी सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काजी इलियास ने की, जिसमें तमाम सियासी समाजी जमातों ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी खालिद मजीद, काउंसिल जनरल पाकिस्तान, काउंसिलेट जद्दा और उनकी टीम ने भी शिरकत की। मेहमान खुसूसी खालिद मजीद ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब जमातों को इकट्ठा किया और जश्न आज़ादी का केक काटा। इसी तरह सब मिलकर पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत में भी अपना अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान को मुस्तहकम करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अकील आराई ने कहा कि आज तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का मकसद है कि हम सब मिलकर पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। तमाम मुकर्ररीन ने तकरीर के बाद केक भी काटा। खबर है मुजफ्फराबाद से, सैयद मुर्तजा अली गेलानी ज्वाइंट सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर हुकूमत अजहर गेलानी सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के जेर एहतमाम डवीन मुजफ्फराबाद के पार्टी जिम्मेदारान का कन्वेंशन विलेज व्यू माकी में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी सदर वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी माजिद खान, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राजा मंसूर, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी ख्वाजा फारूक, साबिक वजीर हुकूमत हनीफ आवान, ज्वाइंट सेक्रेटरी अलहाज गुलखंदा, डेप्टी जनरल सेक्रेटरी काजी इसराइल, सदर जिला नीलम सदाकत शाह, सदर जिला मुजफ्फराबाद सरदार तबारुक, सदर जिला हटिया अखलाक खान ने खिताब किया। इस कन्वेंशन में तमाम डिस्ट्रिक्ट तहसील सिटी की गवर्निंग बॉडी ने शिरकत की। इसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद की कयादत पर पूर एतमाद इजहार किया गया। जश्न आजादी पाकिस्तान के सिलसिले में आज पुरवकरार तकरीब सब ऑफिस रॉयल न्यूज हरबंसपुरा में मुनाकिद की गई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। परचम कुशाई के बाद 40 पाउंड का केक काटा गया और मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत और मनुष्यात के खिलाफ एक जबरदस्त ड्रामा पेश किया गया। फनकारों की अदाकारी से शायकीन आपदीदा हो गए। देखिए मुश्ताक अंसारी की रिपोर्ट। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मलिक शहबाज साहब के पास, जो कि जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी की गई और यहाँ पे परचम कुशाई की गई और एक बहुत ही प्यारा प्ले मेरा पाकिस्तान पेश किया गया। तो यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ मलिक नईम साहब, आइए उनसे उनके तासुरात लेते हैं, जश्न आज़ादी के हवाले से एक मैसेज लेते हैं। जी मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों को ये जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मलिक शहबाज साहब अवान ने ये इंतज़ाम किया है, मैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी तरफ़ से ये सबको गुजारिश है कि जो भी हमारे भाई कश्मीर में जिस मसले में हैं, सबको हम अपील करते हैं कि उनके लिए दुआ करें। और मेरी तरफ़ से ये जितने दोस्त आए हैं उन सबको ये जश्न आज़ादी मुबारक। शुक्रिया। दे रही है, अभी भी जाने कुर्बान कर रही है, उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं और तमाम पाकिस्तानी कौम को एक बार फिर 14 अगस्त मुबारक हो। यहाँ पे मौजूद हैं एक, हम लोगों को बहुत सारी आज़ादी मिली बगैर हम लोगों को गर्दनें कटवाए, इतनी आज़ादी मिली, इतनी खुशी का मौका है कि मैं बता नहीं सकता कि आवाम को कि कितनी खुशी का। इस मौके पर सबको अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, नफल अदा करना चाहिए, खुशी भी मनानी चाहिए। तो मैं तो आवाम को यही। डस्का रोड पर डकैती की बड़ी वारदात, मुबैना डाकू असलहे के जोर पर लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फायरिंग करते हुए फरार हो चुके हैं। फायरिंग से एक मुबैना डाकू हलाक, फुटेज रॉयल न्यूज ने हासिल कर ली है। डस्का रोड संबड़ियाल घर में एक हफ्ता में डकैती की दूसरी वारदात। अहले खाना के मुताबिक दो मुसल्ला डाकू घर की पिछली तरफ से सीढ़ी लगाकर दाखिल हुए, असले के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 14 लाख रुपए नकदी, 29 तोला तलाई जेवरात, 450 कुवैती दिनार लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अपने ही साथी डाकू की फायरिंग से एक मुबैना डाकू हलाक हो गया, दूसरे मुबैना डाकू की फरार होते सीसीटीवी फुटेज रॉयल न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस ने वाके का मुकदमा दर्ज करके एक मुबैना सहूलतकार को गिरफ्तार भी कर लिया है। सर, सुबह 3:15 का टाइम है, 3:15 बजे पिछों दी आए ने पौड़ी चढ़ के, दो बंदे ने जिन्होंने आके तो आंदा सारी दरवाजा तलाक तोड़ के अंदर आ गए ने। अंदर असी सारे बच्चे सन, मेरे 3-4 और मैं भी उस कमरे च ही हाँ। उन्हें दरवाजा तोड़ के अंदर आके उन्होंने जेरकोप करना शुरू कर दिता है और असी जान बचा। पाकिस्तान के साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक की 32वीं बरसी के मौके पर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह साबिक वफाकी वजीर मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह मोहम्मद एजाजुल हक ने उनकी मुल्की और आलमी खिदमात के हवाले से एक वीडियो बयान जारी कर दिया। आइए देखिए। बहावलपुर की और आज भी उसी तरह से लोग जनजौलक शहीद को याद करते हैं, उम्मा के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के हवाले से और पाकिस्तान को एकेडमी क़वत बनाने के हवाले से। यानी उन्होंने उस वक्त ये भाप लिया था कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान को इतना क़वत देनी पड़ेगी ताकि कोई दुश्मन जो है वो मैली आ कर के पाकिस्तान की तरफ ना देख सके। आज रूस की शिकस्त के बाद आज अमेरिका भी शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से वापस जा रहा है और कश्मीर के हवाले से जो जनजौलक शहीद की पॉलिसी थी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्यार और मोहब्बत का आज से 32 साल पहले इजहार किया था जब ये क्रैश हुआ था 1988 में, तो वो कश्मीरी मुजाहिदीन थे, कि उन्हें मालूम था कि अगर जियाउल हक शहीद ज़िंदा होते तो कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हो चुका होना था और हिंदुस्तान भी को भी अपनी जगह पे रखा, इसके बावजूद कि एक सुपर ताकत हमारे एक बॉर्डर पे थी और दूसरी हिंदुस्तान जो था 1986 में जब ब्रास टैक एक्सरसाइजें की और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, तो इस्लामी नज़रिए को उजागर करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले दिन जो हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें कुछ गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के हवाले से, जो गैर कानूनी एजेंसीज के नाम पर रात दिन सरेआम गैर मयारी पेट्रोल बेच रहे हैं। रावलपिंडी के साथ कसीर आबादियां वाला मोहल्ला आजमाबाद, साबिराबाद, हिदायताबाद जो बिल्कुल साथ है, जब हम गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी के मालिक से रेट पूछते हैं तो 110 रुपये फी लीटर और पैमाना भी कम बता रहा है। अफसोस की बात है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जब मालिक से पूछा गया तो उसने सीना ठोकर कहा कि जाओ जो कुछ होता है कर लो और यहाँ कोई जिला इंतजामिया या डीसीओ साहब जो है वो कुछ नहीं कर सकते। अहले मोहल्ला और दीगर आबादियों वाले इस गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी से सख्त परेशान हैं क्योंकि ये गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी बिल्कुल रोड पर है। आते जाते खुदा न खास्ता किसी ने सिगरेट वगैरह फेंक दी तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? अहले इलाका जो सामने आने से डरते हैं, उन्होंने रॉयल टीम को बताया कि सरपरस्त जोर आवर हैं, हमारी अपील है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार और वजीर आजम इमरान खान इस गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी का नोटिस लेकर इसे बंद करवाएं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सियालकोट से खबर है, अरसा दराज से बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमेर गैर कानूनी बिल्डिंग प्लाजे वगैरह नक्शा तामीर करा रहा है। जराए के मुताबिक नक्शा फीस सरकार के खजाने में जमा कराने की बजाय बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमेर से डील की जाती है। 14-15 लाख में तय करके बगैर नक्शा बिल्डिंग शुरू करा दी जाती है। सिर्फ नक्शा पास कराने के लिए फाइल तैयार होती है, नक्शे के प्रोसेस से कबल बिल्डिंग मुकम्मल करा दी जाती है। 1.5-2 साल से ज़ेर तामीर बिल्डिंग्स बारे बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमेर से राबता किया तो उमेर ने बताया कि नोटिस भेजा है मगर काम जारी है। डीसी डॉक्टर नासिर बशीर के दौरानिए में नक्शा पास करने या रिजेक्ट करने का इजलास ही नहीं हुआ मगर अदालत गढ़ा अब्दुल्ला स्ट्रीट समेत बेशुमार कमर्शियल बिल्डिंग्स बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमेर ने अपनी सवाबदीद पर शुरू करा रखी हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमेर के खिलाफ पहले ही भी इंक्वायरी चल रही है। कवरेज करने के बाद जब बिल्डिंग इंस्पेक्टर का फोन पर मौकिफ मांगा तो टाल मटोल करने लगा, बल्कि कुछ देर के बाद एहसान नामी शख्स की फोन पर धमकियां मिलने शुरू हो चुकी हैं। अहले इलाका बहुत परेशान है। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें समंदरी से, सोने का जिन बोतल से बाहर आकर गरीब आवाम की खुशियों को मुंह चिढ़ाने लगा, जबकि सोना गरीब आदमी के लिए किस्सा माजी बनकर रह गया है। मजीद जानते हैं समुंदरी से अपने नुमाइंदे आमिर खान नियाजी की इस रिपोर्ट में। समुंदरी में भी सोने का जिन बोतल से बाहर आकर गरीब आवाम की खुशियों को मुंह चढ़ाने लगा। तब्दीली के इस दौर में सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि गरीब आदमी के लिए अपनी बेटियों को शादी पर सोना देना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सोना गरीब आदमी के लिए किस्सा माजी बनकर रह गया है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि सोने की कीमत में खातर खा इजाफा हुआ है और गरीब की पहुँच से बिल्कुल दूर हो चुका है और ये सोना अब ना पैद हो गया है, समझ लें
कि ये अब गरीब आवाम जो है ये अपनी बच्चियों को जहेज में सोना नहीं दिला सकते, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि प्लीज़ इस पर भी थोड़ा सा फोकस करें। आप मार्केट वगैरह सब पे तो फोकस कर रहे हैं इमरान खान साहब। समुंदरी के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सोने की बढ़ती हुई कीमतों में फौरी तौर पर कमी लाई जाए ताकि गरीब आदमी शादी पर अपनी बेटियों को सोने से नवाज सके। आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से सोने की कीमतों में होशरबा इजाफे के साथ शहरियों के लिए खुशी के मौका पर भी सोना खरीदना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। कंदकोट से खबर शामिल करेंगे। थाना बी सेक्शन की हदूद ठुल रोड माई मस्जिद के मकाम पर ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर लगने के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटी जहां बहक जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई। जहां बहक होने वालों में गरीब आबाद मोहल्ले का रिहायशी गुलाम सरवर शेख और 2 साल बेटी फिजा शेख शामिल है। 4 साल बेटी मरियम जख्मी हुए हैं। पुलिस से इतला मिलते ही जाय वकुआ पर पहुंचकर नाश और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जहां पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया गया। एक ही खानदान की 2 लाशें घर पहुँचने पर घर में कयामत बर्पा हो गई। पूरे मुल्क की तरह खानेवाल में भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक की अपील पर फलस्तीन से यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली भी निकाली गई है। रैली की क्यादत अमीर जमात इस्लामी जिला खानेवाल हारून रशीद निज़ामी एडवोकेट ने की। एहतजाजी मुजाहरा मरकज जमात इस्लामी अलखिदमत अस्पताल ब्लॉक नंबर 8 के सामने हुआ। खानेवाल से देखिए शेख सुहेल की रिपोर्ट। मुल्क की तरह खानेवाल में भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सराजुल हक की अपील पर फलस्तीन से यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली भी निकाली गई। रैली की क्यादत अमीर जमात इस्लामी जिला खानेवाल हारून रशीद निज़ामी एडवोकेट ने की कि मिस्र ने तवील अरसा कबल कैंप डेविड समझौते के तहत इसराइल के नाजायज कब्जा को तस्लीम कर लिया था और अब मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि काफ़ी सारी अरब रियासतों का एक इत्तेहाद है उसने भी इसराइल को के नाजायज़ कब्जे को तस्लीम करते हुए फ़लस्तीन के मुसलमानों से गद्दारी की है, आलम इस्लाम से गद्दारी का इर्तकाब किया है। फ़लस्तीन जो कि हमारा किबला अव्वल है मस्जिद अक्सा जहां अल्लाह ताला के नबी ने अपनी मेराज का आगाज़ किया। अरबों की इस फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती करती हैं और इसराइल के बैतुल मुकद्दस पर नजायज़ कब्जे की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। रैली के शुरका से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी ज़िला खानेवाल मोहम्मद इस्माइल ताज और जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हाफिज माज अजीज़ ने भी खता। कबायली ज़िला और औरकज़ई कौम शेखान के इलाके तख्तक में BHU अस्पताल भी मौजूद है और डॉक्टर की रहायशगाह भी मौजूद है मगर डॉक्टर पिछले 10 साल से इस अस्पताल में मौजूद नहीं है। हमारे नुमाइंदे मलिक फरहान और अगजई वहां पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मलिक फरहान बताइएगा क्यों डॉक्टर की तायुनाती नहीं हो सकी अभी तक वहां पे? जहां बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि BHU अस्पताल तो मौजूद है लेकिन यहां पर MBBS डॉक्टर मौजूद नहीं है। इलाके अवाम को इधर बहुत मुश्किलात का सामना है। डिस्पेंसरी वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज तक ये डॉक्टर की जो इधर जो आर्डर है वो नहीं हुआ, डॉक्टर इधर मौजूद नहीं है, डॉक्टर का आर्डर हुआ हुआ है वो इधर आते नहीं है, क्या वजह कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है? एमरजेंसी राशि मुयागल जोता या मतलब अंगूता अंगू की या मतलब लिया के मर्शी दा मेरा बनी होशी से मुता सुकुन दिस्ता गा डॉक्टर रोश। इनका कहना है कि यहाँ चेस्ट इन्फेक्शन की जो पेशेंट है वो ज़्यादा आती है लेकिन सोच से कहना पड़ता है कि हमारे नुमाइंदगान को ये इल्म ही नहीं है कि इधर डॉक्टर है या नहीं है। दूसरी बात ये कि इधर जो इन्फेक्शन जो ये बता रहे हैं कि चेस्ट के इन्फेक्शन से लोग ज़्यादा आते हैं तो चेस्ट के इन्फेक्शन से ज़्यादातर कोरोना जो पेशेंट होते हैं उनकी पहचान चेस्ट के इन्फेक्शन से होती है तो चेस्ट के इन्फेक्शन से जो पेशेंट आते हैं उनके इधर कोरोना के लिए कोई किसी किस्म का टेस्ट की सहूलियात मैसर नहीं है। कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं MNA साहब MPA साहब इसके अलावा सेनेटर साहब ओडसा इस इलाके पर तवज्जो दें, यहाँ पर अस्पताल मौजूद है लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इधर डॉक्टर भी मौजूद नहीं है और इलाके के अवाम जो है वो यही डिमांड कर रहे हैं कि इधर बाकायदा किसी MBBS डॉक्टर को लाया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और आसानी से इधर इलाज हो सके। लोग इधर से दूर दराज तकरीबन के ज़िला हंगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हाजी ख्याल जमान का 7 साल इक्तदार के बावजूद अभी उनके आबाई गांव जरगरी में सड़क खंडरात में तब्दील, आवाम को पानी भी नहीं मिल रहा। जरगरी बाजार सड़क टूट फूट का शिकार है। MNA ख्याल जमान ने जिला हंगू को मॉडल जिला बनाने का वादा पूरा होना तो दूर की बात है
وہ اپنے آبائی گاؤں کو پانی اور سڑک بنانے میں بھی ناکام نظر آتے ہیں۔ علاقہ زرگری میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لائنیں ڈال کر گھروں کو پانی پہنچایا ہے، جبکہ دوسری جانب سے زرگری ٹوکاہی سڑک جو ہے وہ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس سڑک پر کچھ پکی سے زرگری تک گزشتہ 5 سالوں سے کام جاری ہے، لیکن ابھی تک وہ بھی مکمل نہ ہو سکا، جو انتہائی افسوسناک امر ہے۔ اپر اورکزئی علی خیل سے جو ہے وہ گورنمنٹ پرائمری اسکول تک رسائی کے لیے اورکزئی اسکاؤٹس کی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت برساتی نالے پر رابطہ پل تعمیر کیا گیا۔ آج سے کئی سال قبل یہ رابطہ پل برساتی نالے میں بہ گیا تھا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ پرائمری اسکول سے پیدار کا رابطہ اپر اورکزئی کے علاقوں سے کٹ گیا تھا۔ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ طلباء اور نہ اساتذہ اسکول جا سکتے تھے۔ اسکول ایک بھوت بنگلہ بن چکا تھا۔ علاقے کے طلباء کا مستقبل تاریکی کی جانب گامزن تھا۔ طلباء کی مشکلات اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے 9 ڈویژن کی خصوصی تعاون سے اورکزئی اسکاؤٹس نے اپنی مدد آپ کے تحت اس برساتی نالے پر گاؤں سے اسکول تک رابطہ پل تعمیر کیا، جس کی وجہ سے اب اسکول آباد ہوگا۔ اسکول جانے سے محروم طلباء اب پڑھائی کے لیے اسکول کو جا سکیں گے۔ اب طلباء کا مستقبل تاریکی کی بجائے روشنی کی جانب گامزن ہوگا۔ علاقے کے عوام نے گورنمنٹ پرائمری اسکول سے پیدار تک برساتی نالے پر پل بنانے پر 9 ڈویژن اور اورکزئی اسکاؤٹس کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ رخ کریں شورکوٹ کا۔ ملتان روڈ اڈا شہال الدین پر ڈکیتی کی واردات۔ 3 ڈاکو اپلائیڈ فار موٹر سائیکل 125 پر سوار تھے۔ ڈاکوؤں نے برسٹ مار کر گاڑی مزدا کے ٹائرز کو برسٹ کر دیا اور اسی طرح اس کو روکا۔ تقریباً 3.25 لاکھ روپے لے کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ فائرنگ سے ایک راہگیر بچی بھی زخمی ہو گئی۔ ملزمان نقاب پوش تھے جو کہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زخمی بچی اڈا شاہ الدین کی رہائشی ہے۔ ایس ایچ او شورکوٹ عملدار حسین پاتوانہ اور ڈی ایس پی شورکوٹ احمد سجاد چیمہ موقع پر پہنچ گئے اور قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ڈی ایس پی احمد سجاد چیمہ کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلدی گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سبزی منڈی گڑھ موڑ میں سبانہ برادری اور گڑھ موڑ منڈی کے آڑتیوں میں تصادم ہوا ہے۔ حاجی جاوید، ساجد اور صفدر فلکشیر زخمی ہو گئے ہیں۔ آڑتیوں نے سبزی منڈی کو بند کر دیا اور مقامی اور ضلع انتظامیہ سے اس واقعے میں ملوث عناصر کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھیے محمد سلیم کی رپورٹ۔ جی بالکل، میں موجود ہوں گڑھ مہراجا گڑھ موڑ کی سبزی منڈی پر، جہاں پر آڑتیوں پہ تشدد کیا گیا۔ آڑتیوں نے سبزی منڈی کو بند کر دیا، جس سے عوام کو اور دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میرے ساتھ آڑتی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا اور آپ اس سوال سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ منڈی میں داخل ہو گئے، 20-25 آدمی، انہوں نے ہم سے نقدی چھین لی، تقریباً میرے بھائی سے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے اور مجھ سے تھیلی چھینی گئی، اس میں تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے تھے، وہ بھی چھین لیے اور ہم کو مارا پیٹا اور ہم کو کافی زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے ہم نے منڈی کو سیل کیا ہوا ہے، ہم نے بند کیا ہے، اور اعلیٰ حکام سے ہمارا یہ التماس ہے کہ ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے اور ان کو دہشت گردوں کو پکڑا جائے۔ ڈی پی او جھانگ سے اور ایس ایچ او تھانہ گڑھ مراج سے ہماری۔ وزیر آباد جماعت اسلامی کے امیدوار صوبائی اسمبلی ناصر محمود کلیئر نے کہا ہے کہ دین وطن کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے اور ملکی استحکام کے لیے پوری قوم متحد ہو جائے۔ پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں شہداؤں کا خون شامل ہے، نوجوان اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ جماعت اسلامی یوتھ کے زیر اہتمام جیوے پاکستان موٹر سائیکل ریلی کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر سینکڑوں نوجوانوں نے جھنڈے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا، جبکہ 73 پاؤنڈ وزنی کیک بھی کاٹا گیا۔ ریلی کی قیادت ضلع امیر جماعت اسلامی مظہر اقبال، رندھاوا صوبائی سیکرٹری جنرل جے آئی یوتھ ذبیح اللہ ملک، رضوان بٹ، عدنان احمد، خالد انور راول، نعمان شریف ایڈوکیٹ، رانا لقمان، احسن عدنان، انور کھرل اور دیگر لوگ کر رہے تھے۔ اس میں جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے اور لہو بھی گرمایا گیا۔ سیون شریف کے عظیم بزرگ حضرت لال شہباز کلندر کی درگاہ کو 5 ماہ کے بعد ایس او پیز کے تحت عام زائرین کے لیے آج صبح فجر کی نماز کے وقت درگاہ کو کھول دیا جائے گا۔
दरगाह खुलते ही जायरीन और शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। देखिए अली बख्श सोलंगी की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत के ऐलान के बाद सिंध हुकूमत और महकमा ने दरगाह हजरत लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को आम जायरीन के लिए खोल दिया। दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार खुलने के ऐलान के बाद मुल्क भर से सैकड़ों जायरीन की सेवन आमद जारी है। कोरोना वायरस के खतरे के बाद दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार को 14 मार्च से बंद कर दिया गया था। दरगाह बंद होने से सेवन शरीफ की रौनक के वीरान लोग सख्त मुतासर हो गए थे, जबकि शहर की रौनक उजड़ गई थी। महकमा औकाफ की जानब से SOPs के तहत तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं, जिसमें 80 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिए गए हैं, जबकि जायरीन के लिए खास तौर पर मास्क पहनकर ज़ियारत के लिए आना लाजमी करार दिया गया और 2 मोबाइल हर वक्त तबी इमदाद के लिए दरगाह के अहाते में मौजूद रहेगी। आज पहले रोज 50 अफराद को मज़ार के अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है। हर रोज सुबह 12 बजे और शाम 7 बजे मज़ार को 1-1 घंटा बैद करके सैनिटाइजर किया जाएगा। जहाँ मैंने बताया कि धमाल में सिर्फ 25 अफराद शरीक होंगे और जायरीन को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ रिपोर्टर अली बख्श सोलंगी, रायल न्यूज। असिस्टेंट कमिश्नर तामलियावाला उसामा शरू नियाजी का बड़ा अहसन इकदाम। AC ने पिछले 6 साल का रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया। 6,000 से ज्यादा लोगों से जुल्म हुआ, जिनसे सरकारी फीस लेने के बावजूद उनके इंतकाल पास नहीं हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम पटवारियों को 7 दिन की मोहलत दे दी है कि पिछले 6 साल के तमाम विरासती हिब्बाज खरीदारी और इंतकाल वाले तमाम लोगों के जिनकी ज़मीनें ट्रांसफ़र होनी हैं उनके नाम करें। तहसीलदार राजा एजाज और 3 नायब तहसीलदारों को यह टास्क दिया गया है और 7 दिन में अमल दरामद की हिदायत की गई है। तांदियावाला में उसामा शारून नियाजी ने 6 साल के जुल्म के खिलाफ कदम उठाया है। अवामी और समाजी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शारून नियाजी के इस इकदाम को एहसन करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि इंशाअल्लाह अब तहसील तांदलियावाला करप्शन फ्री होगा। शेखुपुरा से खबर है, पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के ज्वाइंट सेक्रेटरी रॉयल न्यूज के रिपोर्टर मलिक जमशेद मुनव्वर के साहिबजादे की नमाज जनाजा डेरा गरीब आलम में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के चेयरमैन राय कैसर अब्बास करल, सीनियर वाइस चेयरमैन हफीज अहमद डोगर, वाइस चेयरमैन मलिक आसिफ सदर मिर्जा काशिफ बेग और सिटी सदर मलिक अहमद आसिफ, सिटी जनरल सेक्रेटरी इरफान खान दौरानी, सीनियर नायब सदर एहसान जट, जनरल सेक्रेटरी शाहिद महमूद जावेद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राजा रियाज अहमद, सिटी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान, सिटी नायब सदर अफजल रफीक, सदर सोशल मीडिया विंग मियाँ सुहेब, उनके अलावा सियासत और वकला बरादरी और सहाफती तंजीमों ने शिरकत की। दूसरी जानिब थाना सुंदर के इलाके लोहारा वाला खूह पर हादसा पेश आया है, जिसमें एक नौजवान जान की बाजी हार गया। हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने नौजवान को कुचल डाला। नौजवान मौके पर ही जांबहक हो गया। रेस्क्यू जराए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि नौजवान सड़क क्रॉस कर रहा था कि तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर नौजवान जांबहक हो गया है। जांबहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त रांझा के नाम से हुई है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। इत्तला मिलने पर सुंदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और दूसरी जानिब शेखुपुरा में तेज रफ्तार टोयोटा वैन उलट गई। साधु की बस स्टॉप गुजरांवाला रोड पर तेज रफ्तार वैन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में टोयोटा वैन में सवार 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 112 मुरीदके ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके मुंतकिल किया। जख्मियों में फलक शेर वल्द फजल 45 साल जिसकी उम्र थी, खालिद वल्द फलक शेर 5 साल, मोहम्मद शबीर वल्द मोहम्मद बशीर 50 साल जिसकी उम्र थी, यासमीन जोजा मोहम्मद शबीर 40 साल जिसकी उम्र थी और नादरा बीबी 65 साल जिसकी उम्र थी। ये तमाम लोग जो हैं वो शामिल थे। पाकिस्तान जीत गया, कोरोना हार गया। लॉकडाउन खत्म होने लगा, जिंदगी मामूलात की जानिब लौटने लगी। कोरोना के बायस सिंध की बंदरगाहें खुलने लगी हैं। सिंध की दूसरी बड़ी दरगाह शाह अब्दुल लतीफ भटाई भी कल SOPs के तहत आम जायरीन के लिए खोल दी जाएगी।
दरगाह को खोलने के SOPs जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मटियारी, SSP मटियारी समेत महकमा औकाफ के अफसरान ने दरगाह का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने दरगाह के स्टाफ को खास हिदायत की कि दरगाह को मैन दाखिल होने वाले हर शख्स को SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाए। महकमा औकाफ के अफसरान ने कहा कि दरगाह में दाखिल होने के लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाए, जबकि जायरीन को सामाजिक फासला रखने के लिए खास हिदायत की जाएगी। दरगाह के दोनों मेन गेटों पर सैनिटाइजर गेट रखे जाएंगे। खबर शामिल करते हैं जफरवाल से। मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह तहसील जफरवाल के नवाही कस्बा डेलरा में भी उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी के जरिए तमाम यौम आजादी और अपने कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के हवाले से रैली निकाली गई। देखिए जफरवाल से मियां साकिब अली की रिपोर्ट। पर के दूसरे शहरों की तरह तहसील जफरवाल के नवाही इलाका डेलरा में भी आज यौमे इजहारे यकजहती कश्मीरियों के साथ रैली निकाली गई है, जिसमें उलमा कराम और सिविल सोसाइटी समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, जिसे वादी जन्नत का नाम दिया गया था। आज तकरीबन 12 माह से जायद का दुरानिया गुजर चुका है। हमारे मुसलमान भाई बहनों की इज्जत पामाल की जा रही है, उन पर इंतहाई जुल्म सितम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज डेलरा में भी इजहार यकजहती रैली निकाली गई है। अभी हमारे साथ उलमा कराम मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका क्या पैगाम है और मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा है इनका। जी सर बताइएगा। जिस तरह के हर साल कश्मीर का 14 अगस्त मनाई जाती है, 14 अगस्त 14 अगस्त के अंदर हर साढ़े नौजवान जेडे साढ़े बहु अजदाद जिन्होंने 1 करोड़ मुसलमाना ने 1 करोड़ मुसलमान जेडे पाकिस्तान च हिजरत लैके आए और उन्होंने 1 लाख मुसलमाना दियां जाना शहीद हुई जिन्होंने साडे मुल्क पाकिस्तान वास्ते अपन जाना कुरबान कीतियां, अपन कुरबानियां पेश कीतियां, अपने बीवियां तो बेबाव हो गई। किसी मुल्क के साथ हमारी जंग हो, लेकिन अगर कश्मीर के मुसलमानों पर इसी तरह जुल्म रहेगा तो हमारा ये नारा होगा कि कश्मीर की आज़ादी तक, हिंदू की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना उलमा कराम का यही कहना कि कश्मीर हमारी शाहराह है, जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा हम अपना इंतजार रिकॉर्ड करवाते रहे। PTI के मरकजी क्यादत के सेक्रेटरी जनरल आमिर नियाजी दादू बीटो जतोई में आमद, अहम रुकन और साबिका वजीर आला सिंध लियाकत अली जतोई को मनाने के लिए बैठक लग गई। साबिका वजीर आला सिंध लियाकत अली जतोई और मरकजी रहनुमा PTI आमिर नियाजी के दरमियान मुलाकात हुई। लियाकत अली जतोई का मरकजी रहनुमाओं से शिकवा था। लियाकत अली जतोई ने 2018 में आम इंतखाबात से कबल आज तक साथ देने वाली कुर्बानियों की कहानी भी बयान कर दी। PTI मरकजी क्यादत की जानिब से नजरअंदाज करने के रवैये पे भी शिकवे का इजहार कर दिया। कहा बड़े बड़े जलसे कामयाब करवाने में साथ रहे, जितना मुमकिन था वो सब किया। लियाकत जतोई ने हालिया आम इंतखाबात 2018 में सिंध से PTI को पड़ने वाले वोटों का भी जिक्र किया और कहा कि आमिर नियाजी को याद करवाता हूं कि PTI ने सिंध से 6 लाख वोट हासिल किए और दादू से 3,96,000 वोट लिए। उसूलों पर कायम रहा हूं, मुखालफीन के सामने नहीं झुका, सर हमेशा अल्लाह के सामने झुकाया है, झुकता रहेगा, इसलिए इज्जत चाहिए, सब वोटर उनके हैं और वो PTI का साथ अब तक उन्होंने दिया है। कंदकोर से खबर है, शहीद साफी अजीज मेमन के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल का एहतजाज जारी है। मेहराबपुर के सीनियर सहाफी के कत्ल में मुलविस मुश्ताक सहतू को पुलिस सरपरस्ती हासिल है। सहाफी बरादरी के मुसलसल एहतजाज के बावजूद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। कश्मोर, बख्शापुर, गुड्डू, खोसपुर की सहाफी बरादरी और शहरी इतिहाद की रहनुमाओं ने शिरकत की। इसके बता रहे हैं कि मुसलसल सहाफी बरादरी एहतजाज कर रही है, पुलिस कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। कश्मोर, बख्शापुर, गुड्डू, गौसपुर की सहाफी बरादरी और शहरी इतिहाद के रहनुमाओं ने शिरकत की। सरगोधा से खबर है, जहां साबिका दौरे हुकूमत की जानिब बनाया गया अर्बन ट्रांसपोर्ट कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। तब्दीली का दावा एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुआ। शाहीनों के शहर सरगोधा में साबिका दौरे हुकूमत में 2.5 करोड़ की लागत से बनाया गया अर्बन ट्रांसपोर्ट कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। सिलावाली रोड मेन शाहरा पर कूड़ादान बनाकर जिला इंतजामिया ने अहले मोहल्ला को परेशानियों में मुबतला कर दिया है। जिला सरगोधा का सबसे बड़ा गहनी भी इसी रोड पर वाकया है, जबकि मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया अपना वक्त बचाने के लिए कचरे को आग लगा देती है लेकिन कचरा वहां से उठाया नहीं जाता।
जाफराबाद का रुख करेंगे। फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए जमात इस्लामी जाफराबाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जमात इस्लामी के मरकजी कौल पर जिले अमीर मोहम्मद अमीन की क्यादत में बैतुल मुकद्दस की हुरमत के तहफ्फुज़ के लिए अलकदस रैली निकाली गई है। रैली कशीर ने कांटे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद के सामने पहुंचकर मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में और गरीब हुकूमत के फैसले और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुजाहरीन ने कहा कि इसराइल मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। अरब हुकूमत ने इसराइल की रियासत को तस्लीम करके मुसलमान ममालिक से दुश्मनी का सबूत दिया, जिसकी जमात इस्लामी शदीद मजम्मत करती है। रुख करेंगे जलालपुर पीरवाला का। जीयूआई फे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सफीउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद सफीउल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। जलालपुर पीरवाला में जेयूआई फे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सफीउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना मोहम्मद सफीउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुल्क को अमरीका का गुलाम बनाकर किस मुंह से जश्न आजादी मनाई गई है। नाअहल हुकूमत को अब घर जाना होगा। सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्तों को दूर करने की साजिश हो रही है। नाअहल वजीर आला पंजाब पैसे लेकर शराब के लाइसेंस जारी कर रहे हैं। मरियम नवाज कौम की बेटी है, उन पर पथराव शर्मनाक हरकत है। हुकूमत को घर भेजने के लिए फिर से तहरीक चला रहे हैं। इस हुकूमत ने लोगों को रोजगार देने की बजाय रोजगार छीना है। इस मौके पर जेयूआईएफ के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।